यूपी टीवी न्यूज पर फर्रुखाबाद से बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। फर्रुखाबाद में अतिक्रमण अभियान इन दिनों जोरों पर चल रहा है और आज फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ के नवदिया में अतिक्रमण हटाया गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं दीपाली भार्गव, जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं फर्रुखाबाद की, उन्होंने अतिक्रमणकारियों को क्या चेतावनी दी है। आज फतेहगढ़ में फूल मंडी से लेके महासमाधि तक अभियान चलाया गया। कहीं किसी विरोध का किसी तरह का कोई सामना करना पड़ा? यहाँ पर अतिक्रमणकारियों के पास जगह हमारी ज्यादा थी तो चिन्हित कर दिया गया, विरोध किसी तरह का नहीं हुआ। कुछ लोगों ने समय लिया सोमवार सुबह तक का और कुछ हम लोगों ने हटा दिया है तो लोगों का नुकसान कम से कम हो तो वो अपने आप ही अतिक्रमण हटाने में लगे। और आगे जो अभियान चलेगा और जो अतिक्रमण किए हैं लोग उनको क्या चेतावनी है? उनको ये चेतावनी है कि जो भी हमारी सड़क चिन्हित की जा रही है उन पे जो उनका अतिक्रमण है उस पर हम निशानदेही कर रहे हैं, उस निशान तक अपने आप हटा लें। ठीक, जब हमारा जाएगा तो सबका जाना चाहिए। आपका नाले के आगे बना है पीछे बना है? नाले के पीछे है। और जो नाले के आगे आपने देखा है इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, सबका छोड़ के आए आगे से। आपने जिनके नाले के ऊपर बने हैं सबको छोड़े जा रहे हैं। आपने क्या मैडम ने सिटी मजिस्ट्रेट से बात की थी भैया? जो नाले के ऊपर बने उन पर भी चूना डाला गया था, क्या वो नहीं तोड़ा जा रहे हैं? चूना डाला गया वहां तक, वहां सब छोड़ दिया गया। फर्रुखाबाद में शनिवार को भी अतिक्रमण अभियान जारी रहा। आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलमंडी से नवदिया तक का अतिक्रमण हटाया गया जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों पर गरीबों का उत्पीड़न करने के आरोप भी लगाए गए हैं। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव बयो नगर पालिका रविंद्र कुमार के नेतृत्व में फतेहगढ़ पुलमंडी में अभियान चलाया गया। पुलमंडी नाले के पास बने कि अन्य तमाम दुकानें और घर जो नाले के आगे बने हैं उन्हें नहीं गिराया गया। उसके पास में भी एक चार मंजिला भवन को भी नहीं छुआ गया जिसमें दो मंजिल का नक्शा पास है जबकि चार मंजिल बना हुआ है उसे भी छोड़ दिया, जबकि उनके मकान के भीतर तक चूना डाल दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि चार मंजिला भवन स्वामी पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके बाद जेसीबी ने शांति नगर स्थित शशि प्रिंटिंग प्रेस के बाहर के अतिक्रमण को भी तोड़ दिया। इसी तरह से जेसीबी चलते हुए नवदिया तक पहुँची। शांति नगर निकट के 14 मीटर सड़क दो तरफ गई है। आगे तस्वीरों में देखिए कि बुलडोजर किस तरह से अतिक्रमण को जगह दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी टीवी न्यूज़। आपको बटा नहीं।